बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज है 9 दिसंबर 2018। खबरों की शुरुआत करते हैं अच्छी बात के साथ। दूसरों को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। क्या कुछ होगा खास आज के भाव होंगे, देश विदेश, प्रदेश, बॉलीवुड, व्यापार, टेक्नोलॉजी, खबरें होगी, क्या जी कुछ बात होगी। ये हैं आज के भाव। आप इसकी स्क्रीन को रोक कर सोना चांदी एलपीजी पेट्रोल डीजल के भाव देख सकते हैं। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो मैक्सिको की वेनेसा पोंस वेलियन बनी मिस वर्ल्ड 2018। मानुषी छिल्लर ने पहनाया ताज। चीन में शनिवार को हुई मिस वर्ल्ड 2018 की प्रतियोगिता का खिताब मैक्सिको की 26 वर्षीय वेनेसा पोंस वेलियन ने अपने नाम किया। वहीं फर्स्ट रनर अप मिस थाईलैंड रही। बेनेसा को मिस वर्ल्ड 2017 रही मानुषी छिल्लर ने ताज पहनाया। गौरतलब है कि भारत की 20 वर्षीय अनुकृति वास तमिलनाडु की जो है वो टॉप 30 में अपनी जगह बनाने में सफल रहीं। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो वो भी मिस वर्ल्ड 2018 से ही है कि क्या सवाल पूछा गया था वेनेसा पॉन्स से जो उन्होंने यह खिताब जीता। तो उनसे सवाल पूछा गया था कि दूसरों की भलाई के लिए खिताब के प्रभाव का इस्तेमाल कैसे करेंगी। इस पर वैनेसा ने कहा कि मैं इसका इस्तेमाल ऐसे ही करूंगी जैसे मैं अपने पिछले 3 सालों में कर रही हूं। हमेशा कोई ना कोई कोई ऐसा होगा जो जिसे मदद की ज़रूरत होगी, उसकी मदद कीजिए। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो अनुचित कंटेंट जांचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल करेगी व्हाट्सएप यूट्यूब। गृह मंत्रालय ने बताया कि व्हाट्सएप और यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म हेट स्पीच, हिंसा भड़काने वाली अफवाहों, महिलाओं के साथ अपराध जैसे अनुचित कंटेंट की जाँच और प्रसार को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल का इस्तेमाल करेंगे। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो फेसबुक पर 80 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इटली के नियामक ने यूजर्स को भ्रमित करने और बिना सहमति के डेटा बेचने के आरोप में फेसबुक पर 80 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नियामक ने फेसबुक द्वारा शेयर किए जाने वाले डाटा की सीमित करने के लिए यूजर्स को सेवाएं प्रभावित होने का मैसेज दिखाया है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो शिवपाल की पार्टी ने हनुमान के जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। ये शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने वाराणसी के जिलाधिकारी के दफ्तर में हिंदू देवी देवताओं के जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो ये सूखे से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से 7,962 करोड़ रुपए मांगे हैं। और जो मोदी के प्रधान सचिव हैं नृपेंद्र मिश्र से मुलाकात की है देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने और कहा कि 7,962.63 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता चाहिए, क्योंकि उस राज्य सरकार ने बताया कि उसके 36 में से 26 जिले सूखा प्रभावित हैं। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं, टूटी पटरी से गुजरने से पहले रोकी गई कुंभ एक्सप्रेस, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ये मुरादाबाद मंडल से खबर आ रही है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो ये रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को लेकर है, जहां पेपर सॉल्व कराने से लेकर आउट कराने तक का सभी काम किया जा रहा था। ये अंतर राज्यीय जो सॉल्वर गैंग था उसका खुलासा पुलिस ने किया है। रेलवे भर्ती जो परीक्षा चल रही है ग्रुप डी की, उसमें ये सॉल्वर बैठाते थे। इनके पास से 56,000 से ज़्यादा रुपए वगैरह मिले हैं। बहुत सारे आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बहुत सारे दस्तावेज इनके पास से मिले हैं। ये कानपुर के कल्याणपुर की घटना है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो जो रेलवे के लिए डीजल इंजन नहीं बनाएगा, डीरे का जो डीजल रेल कारखाना है वो डीजल इंजन नहीं बनाएगा, वो सिर्फ विद्युत रेल इंजनों का ही उत्पादन करेगा। तो ये आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो खड़े ट्रैक्टर ट्राली में तेज टक्कर से ट्रक ने टक्कर मारी जिससे कि 2 की मौत हो गई है। ये बरेली के बुखारा रोड स्थित रोड की घटना है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने वहां खड़े ट्रैक्टर ट्राली को जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसमें 2 लोगों की मौत हो गई।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शुक्रवार की देर रात ये हादसा हुआ है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो भेदभाव कम करने के लिए गूगल ने जारी किया जेंडर आधारित ट्रांसलेशन। इसमें कि आपको भाई अगर आप देखते हैं कि लिखते हैं डॉक्टर तो वो बताएगा ट्रांसलेट करके कि सी इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, तो इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करके वो दिखाएगा। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो ये राजस्थान से निकल के आई, जहाँ राजस्थान में सड़क पर मिली वोटिंग मशीन, दो अधिकारियों को इस पर निलंबित कर दिया गया है। राजस्थान किशनगंज सीट के शाहबाद इलाके में हाईवे पर एक वोटिंग मशीन लावारिस हालत में मिलने का मामला सामने आया, जिस पर जो है स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को जो जानकारी दी, जिसके बाद दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो ये दुखद घटना आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां बस खाई में गिर गई, जहां कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। ये जम्मू कश्मीर के मंडी तहसील की घटना है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो शहर के बाद अब इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी नाम बदला जाएगा। केंद्र सरकार ने इसका प्रस्ताव भेज दिया है तो, और ये बताया गया है शिक्षा मंत्री जो हैं प्रोफेसर दिनेश शर्मा, और ये हमारे जो उत्तर प्रदेश हैं उसके उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका भी नाम बदल दिया जाएगा। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो आज 9 दिसंबर को है CTET की परीक्षा, 92 शहरों में होनी है, 20 भाषाओं में ये परीक्षा जो है आयोजित की जाती है। इसके लिए 2,296 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दो पेपर होंगे, 1 से 5 तक के लिए फर्स्ट पेपर और 6 से 8 तक के लिए सेकंड पेपर कराया जाता है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं तो ये आप ऐप हैं जो देख सकते हैं, इन जो वॉइस ऐप है इसको गूगल ने हटा दिया है अपने प्ले स्टोर से, और कहा है कि अगर आपके मोबाइल में ये कोई भी ऐप है इनमें से डले हुए हैं तो उनको तुरंत से ही रिमूव कर दीजिए, तुरंत तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि ये आपके फ़ोन के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।